मित्रों नमस्कार। आज हम चिंतन प्रवाह में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय है समर्पण। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशियां हैं, भौतिकता है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, पर जो अस्थाई शांति हम कहते हैं वह नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने स्वयं को समर्पित नहीं किया है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने स्वयं को जानने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने हमेशा ही बाहर देखने का प्रयास किया, अपने अंदर देखने का प्रयास नहीं किया, अंदर जानने का प्रयास नहीं किया। संतों ने कहा है, महसूस किया है, हमें यह मार्ग दिखाया है कि हमें अंदर की ओर उतरना होगा। अंदर अगर हम खुल जाएंगे, अंदर अगर हम ठीक हो जाएंगे, अंदर अगर हम सहज हो जाएंगे, अंदर अगर हमारे प्रवाह होने लगेगा तो फिर बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अंदर से ही बाहर की ओर आ सकते हैं। अंदर तभी हम सहज हो सकते हैं, तभी हम शांत हो सकते हैं, जब हम अंदर की ओर धीरे धीरे उतरना सीखें। संतों ने कहा भी है कि सुमिरन सुरती लगाई के मुखते कछु न बोल, सुमिरन सुरती लगाई के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। बाहर जो हम खुले हुए हैं, बाहर का दरवाजा जो तक खुला हुआ है, बाहर जो हम आरा उन्मुखन है अब तक, उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा, अंतर उतरना होगा। क्यों उतरना होगा? इसलिए उतरना होगा क्योंकि बाहर की दुनिया में जिस शांति की हम तलाश करते हैं, जो हम सहजता चाहते हैं, जो हम सरलता चाहते हैं, जो हम कालचयी टिकाऊ आनंद चाहते हैं, वह आनंद हमें नहीं मिल रहा है। वह आनंद इसलिए मिल नहीं रहा है क्योंकि बाहर कुछ है भी नहीं, जो कुछ है सो अंदर है। जिन नाते रिश्तों में हम बार बार उलझे हुए हैं, जिन्हें हमने स्वयं को समर्पित कर दिया है, जिसके प्रति हम केंद्रित हैं, वह कहीं ना कहीं सहज नहीं रहने देता, वह कहीं ना कहीं बेचैन कर देता है और अक्सर निराश होते हैं, अवसाद में आ जाते हैं और फिर लगता है इस जीवन की सार्थकता क्या है, हमने क्या अर्जित किया है, क्या हम इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए अपने इस मनुष्य के जीवन को लगाए हैं। संतों ने कहा भी कि तेरा तो है कोई नहीं मात पिता सुतनार, ताते सुमिरे राम को हे मन बारंबार। तेरा तो है कोई नहीं माता पिता सुतनार। अजीब सी बात है, हमारे विश्वास को चोट पहुंचती है जब यह एहसास होता है कि मेरा कोई नहीं है। लगता तो यही है कि मेरे पुत्र, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे सहकर्मी, ये सब हमारे साथ हैं। लेकिन संतों ने बहुत अनुभव करके कहा है, अनुभूति के स्तर पर जाकर ये बात कही है कि तेरा तो कोई है नहीं माता पिता सुतनार, ताते सुमिरो राम को हे मन बारंबार। इसलिए हे मन, बार बार अगर किसी का सुमिरन कर तो राम का सुमिरन कर। आप किसी नाम से परमात्मा को सुमिरन करें, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की अनुभूति करें, परमात्मा में ही इस जग को देखें। जैसे तुलसीदास ने कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी। यह कहना, यह गाना, यह बोलना आसान है पर इस विश्वास में जीना बहुत मुश्किल है। क्यों परमात्मा को स्मरण करें? परमात्मा को स्मरण इसलिए करें क्योंकि जब आप परमात्मा को स्मरण करेंगे, परमात्मा में डूबे रहेंगे, परमात्मा को ही वास्तविकता मान लेंगे, तब फिर आपको ये लगेगा कि शायद ज़िंदगी में और कुछ बचा नहीं है और आप एकदम निश्चिंत हो गए हैं। बहुत प्यारी बात रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि अगर पुत्र पिता का हाथ पकड़े है तो संभव है वो गिर भी जाए, लेकिन पिता अगर पुत्र का हाथ पकड़ ले तो पुत्र के चोटिल होने की, घायल होने की संभावना जरा भी नहीं रहेगी। यही है परमात्मा के प्रति समर्पण। इसी समर्पण को कबीरदास ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा है कि कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं, तो कहे तो बाहुरो दुर दुर कहे तो जाऊं, ज्यों हरि राखे त्यों रहूं जो देवे सो खाऊं। यह कबीरदास जी का साहस था कि वह कहते हैं कि कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा नाव,
गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। जो रस्सी पड़ी हुई है, जो जंजीर पड़ी हुई है, वह राम नाम की है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा, यह समर्पण की पराकाष्ठा है। निश्चिंत हो जाना, बेपरवाह हो जाना कि तो कहे तो बाहुरो, अगर ईश्वर समीप करता है, हालांकि ईश्वर न समीप करता है न दूर करता है, हम अपने मन स्थिति के अनुसार ईश्वर को ऐसे देखते हैं। बहुत बड़ी बात कहते हैं कबीरदासी कि गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं, तो कहे तो बाहुरो, दुर दुर कहे तो जाऊं, ज्यों हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। हरि कैसे रखेगा और हरि क्या देगा, यह बात कहना तो बहुत आसान सा लगता है, यह बात बहुत सहज सी लगती है कि ज्यों हरि राखे त्यों रहूं, हरि जैसे रखेगा वैसे रहूंगा और हरि जो देगा वही खाऊंगा। अब प्रश्न उठता है कि हरि क्या देगा, हरि क्या खिलाएगा, हरि कैसे रखेगा, हरि क्या हमारे और आपके जैसा है? निश्चित रूप से नहीं। हरि की इच्छा हम सब अगर महसूस कर ले अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, तो जीवन आनंद से भर जाए। यह समर्पण का चरम है कि ज्यों हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में अगर हम ईश्वर को शामिल कर ले, यह मान ले कि उसी के द्वारा संचालित है, तो शायद हमारा जीवन सहज हो जाए, सुखद हो जाए, आनंद से भर जाए, उस आनंद से जिसे हम टिकाऊ आनंद कहते हैं। समर्पण के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, समर्पण के बिना आध्यात्मिकता की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ सकते। समर्पण पहली शर्त है। धन्यवाद।